नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली न्यू नेशन में। बाबरी मस्जिद के बाद अब कुतुब मीनार ध्वस्त, हिंदू मंदिर पर बड़ा ऐलान, श्रीराम के लगे नारे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने अभी तक नहीं देखा था, और जिस तरीके से मुगलिया सल्तनत ने भारत में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का ध्वस्तीकरण किया, और जिस तरीके से कब्जा करके जिन लोगों ने मस्जिद बनवाया, और उन मस्जिदों का परिणाम यह हुआ कि जैसे ये लगातार हिंदू धर्म का शोषण किया, हिंदू धर्म को तोड़ा, हिंदू धर्म को बार बार दबाने का प्रयास किया, शोषण किया, उस चीज पर अब समय बदल गया है। अब एक हिंदुत्ववादी सरकार है, और आपको बात करें, आपको पता ही होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की टीम, अमित शाह की टीम और योगी आदित्यनाथ की टीम किस तरीके से काम कर रहे हैं। नाम परिवर्तन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अब राम मंदिर भी बन रहा है। लेकिन इसी बीच ये कुतुब मीनार की जो खबर आ रही है, इस खबर को अंत तक जरूर आपको देखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखिए, जय श्री राम लिख रहे हैं, जय श्री राम भी लिख दीजिए, कोई हिचकिचाहट नहीं है। और मैं चाहता हूं वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, अंत तक लोगों तक पहुंचे। पूरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कई हिंदू संगठनों ने खुले तौर पे चुनौती दे डाली और स्पष्ट कहा कि हिंदू देवी देवताओं की लगभग 20, 25 से 27 मंदिर जहां पे थी, और उसको तोड़ के जिस तरीके से कुतुब मीनार बनवाया गया, उस कुतुब मीनार को हटाने का समय आ गया है, और ऐसे कई कुतुब मीनार जैसे कई मुगलों के द्वारा बनाए गए बिल्डिंग को हटाने का समय है इस वक्त। और अब यह देश इस रास्ते पे है कि अब गुलामी के प्रतीकों को हटाना चाहिए। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इरफान हबीब हैं, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि यह मंदिर का हिस्सा है, लेकिन ये जो मंदिर थे ये वही थे या आसपास थे, इस पर चर्चा होती रही है। यानी कि ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये खुद खास समुदाय से आते हैं, लेकिन ये स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पे 20 से 25 मंदिर थी। जाहिर सी बात है 25 या 27 मंदिर एक जगह तो नहीं रहे होंगे, लेकिन इन स्तंभों को इधर उधर से एकत्र करके यहां लाया गया होगा। मंदिर के बाकायदे प्रमाण मिले हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों के प्रमाण मिले हैं, स्तंभ मिला है। बाबरी मस्जिद में तो इतना भी नहीं था, कुतुब मीनार में बहुत स्पष्ट तौर पर है कि मंदिरों को तोड़ के ही बनाया गया है। कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट्स के शीर्षक से लिखी किताब में लेखक इतिहासकार B.M. पांडे मानते हैं कि जो मूल मंदिर थे वो यही थे, यानी जहां पे कुतुब मीनार बना है। और यदि आप मस्जिद के पूर्व की ओर से प्रवेश करते हैं तो वहां जो स्ट्रक्चर है वो असल स्ट्रक्चर है। मुझे लगता है कि असल मंदिर यही है, कुछ इधर उधर भी रहे होंगे जहां से उन्होंने स्तंभ और पत्थर के अन्य टुकड़ों को लाकर उनका इस्तेमाल किया कुतुब मीनार को बनाने में। राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। महरौली में स्थित कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1200 ईस्वी में बनवाया था। इल्तुतमिश हो या जो भी तमिश हो, सब ने जो किया उनके कर्मों को हटाने का समय है। आपकी क्या राय है, आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं। कुलवत इल इस्लाम मस्जिद ऐबक के दौर में बनाई गई थी और बाद में इसका विस्तार होता रहा। मस्जिद के किबले पश्चिम दिशा की तरफ का जो हिस्सा है वह प्रारंभिक इस्लामी शैली में बनाया गया। मेहराब यहां खड़े होकर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं कि दीवारों में कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी की गई है, लेकिन मस्जिद में मंदिर के अवशेष देखे जा सकते हैं स्पष्ट तौर पे। कहीं कहीं पुराने मंदिर का पूरा ढांचा मौजूद है, और यह चीजें दिखाती हैं कि दावा मजबूत है आप सभी का, हिंदू संगठनों का, और इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया जाए और जो चीजें पहले जैसी थी, क्योंकि आज हमारे द्वारा बनाई गई सरकार है और आज हम अपने हिसाब से अपने गुलामी के इतिहास को बदलने का प्रयास करेंगे। कुछ हिंदू संगठन लंबे समय से यह दावा करते रहे हैं कि कुतुब कॉम्प्लेक्स वास्तव में हिंदू धर्म का दर्शन था। हिंदू जागरण संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने हाल ही में अदालत में एक याचिका दायर की है और पूजा के लिए परिसर को बहाल करने की मांग की है। यानी कि वहां पे हिंदू जाएंगे, पूजा करेंगे, परिसर के बहाली की मांग की है। एक हिंदू कार्यकर्ता और वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि वहां अभी भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो टूटी पड़ी हैं, यह देश के लिए शर्म की बात है। इस संबंध में हमने दावा किया है कि हमें वहां पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, यह मांग है। और इस मांग पे
पूरी तरीके से कार्रवाई हो रही है। और आपको बता दें कि जैसे बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, वैसे तो हमें नहीं लगता है कि सरकार में रहते हुए बीजेपी या बीजेपी के कार्यकर्ता ध्वस्त कर पाएंगे, क्योंकि सत्ता पे कोई उंगली ना उठे इसलिए। लेकिन विपक्ष में होते तो आज चढ़ जाते उस पर। लेकिन यह भी कंफर्म कर दें कि अगर बाबरी मस्जिद गिरी है, वहां पे राम मंदिर बना है, तो समझ लीजिए बाकी मस्जिदों का जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ के बनाए गए हैं, उनका भी समय नजदीक है और वो भी टूटेंगे। अब चलते हैं अदालती कार्रवाई पे। बाकायदा ये कोई भी जो चीजें यहां पे बोली जा रही सब फैक्ट है, बाकायदा इतिहासकारों ने लिखा है, कोई हवा हवाई नहीं है, और अदालत में बाकायदे इसका मुकदमा चल रहा है। अदालती कार्रवाई पे आते हैं। इस मामले में सुनवाई दिल्ली की एक अदालत में अप्रैल को पहले सप्ताह में होगी, यानी मुकदमा चल रहा है। पुरातत्वविदों का कहना है कि अतीत की इमारतों और घटनाओं को आज के संदर्भ में देखना सही नहीं है, उन्हें ऐसे ही रहना महत्वपूर्ण है। ये कौन से पुरातत्वविद हैं? अगर हमने सरकार बनाई है, आज देश बदला है, तो जाहिर सी बात है उन गुलामी के प्रतीकों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इस देश में उन मुगल शासकों उन अत्याचारियों के विचार नहीं चलेंगे, इस देश में हमारे और आपके विचार चलेंगे। आपकी क्या राय है, आपने खुद लिख दिया है कमेंट बॉक्स में। पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रमुख हैं सैयद जमाल हसन, ये जितने लोगों का नाम ले रहे हैं ये सब उसी जमात से आते हैं। इन्होंने कहा कि आर्ट और आर्किटेक्चर से संबंधित जो भी इमारतें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, बौद्ध धर्म की हो, जैन धर्म की हो, हिंदू की हो या इस्लाम की हो, अतीत की जो भी विरासत है, निशानियां हैं, हमें उन्हें जैसे हैं वैसे ही रहने देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह देखकर समझ सकें कि यह किसकी वास्तुकला शैली है, या निर्माण की गुप्त शैली है, या शुंग शैली है, या मौर्य शैली है, या मुगल शैली है। उस शैली को जीवित रखना हमारा काम है। लेकिन उन गुलामी के प्रतीकों को कौन झेले जो बार बार आपको कचोटती है कि एक समय था जब भारत में बाहर से आए कुछ लोगों ने भारत के मंदिरों को तोड़ा, भारत के मंदिरों को तोड़ने के बाद उन पे ऐसे कारनामे किए। कई हिंदू संगठन और इतिहासकार ताजमहल, पुराना किला, जामा मस्जिद, अतीत के मुस्लिम शासकों द्वारा निर्मित की गई अन्य इमारतों को हिंदुओं का इरामत मानते हैं, इमारत हिंदुओं का इमारत मानते हैं। उनका मानना है कि मुस्लिम शासकों ने प्राचीन हिंदू मंदिरों और इमारतों को ध्वस्त करके बदल दिया था। हिंदू कार्यकर्ता रंजना अग्निहोत्री पेशे से एक वकील है और कुतुब मीनार के परिसर में मंदिर की बहाली के लिए एक याचिकाकर्ता भी है। वो कहती है, हम लोगों ने मिलकर शपथ ली है कि भारत में जितने भी मंदिर थे जो मुगल आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने और मस्जिद को बनाने के लिए ध्वस्त किए गए थे, हम वहां भारत की गरिमा को दोबारा बहाल करेंगे और इन मंदिरों को आजाद कराएंगे। आपकी क्या मांग है और आप क्या कहना चाहते हैं, इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। जुड़े रहिए ओनली न्यू नेशन के साथ, ये वीडियो और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इन बातों को जाने समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही है मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।